कुमार गुर्जर की अध्यक्षता में आज फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय में जिला विकास एवं निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक नयन पाल रावत, विधायक सीमा त्रिखा, विधायक राजेश नागर सहित जिले के डीसी सहित सभी विभागों के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत को लेकर भी कांग्रेसियों को आड़े हाथों लिया। आपको बता दें कि जिले में चल रहे विकास कार्यों को लेकर आज मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए विकास कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की, जिसमें मुख्य रूप से केजीपी की कंट्रेक्टिविटी, मेट्रो रेल परियोजना गुरुग्राम और शहर में हल्की सी बरसात के कारण ही जल भराव की स्थिति को लेकर अधिकारियों से विशेष बातचीत की गई, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने दावा किया कि जल्द ही लोगों की जल भराव की समस्या से निजात मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई पंचायत नहीं है, कुछ किसान संगठन है जो मोदी विरोधी है, यह सब कांग्रेस का खेल है और सभी आगे उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो इसमें इसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। वहीं विधायक नयन पाल रावत ने बताया कि बैठक में टूटी हुई सड़कों और केसीपी से कनेक्टिविटी और गुरुग्राम मेट्रो परियोजना व शहर में जल भराव को लेकर अधिकारियों से विशेष चर्चा की गई और केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया और सभी अधिकारियों को विकास कार्यों के दिशा निर्देश भी दिए गए ताकि आम जनमानस को कोई परेशानी ना हो। क्या रहा है बैठक में? देखिए, दिशा की मीटिंग जो माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी के चेयरपर्सन रहते हुए हुई है। विकास के जो भी मुद्दे जो पीछे पिछड़ गए थे, चाहे वो कोरोना के वजह से, और जो हमारी मुख्यमंत्री जो घोषणा है वो भी अधूरी रह गई थी, उन सब पे चर्चा हमेशा होती है और उनको कितना उस पर गति आई है, चाहे वो बिजली की समस्या को लेकर हो, चाहे मार्केटिंग बोर्ड और पीडब्ल्यूडी की सड़कों को लेकर, चाहे पानी की जो निकासी जो शहर से और आज अब गांव में भी जो है ना जोड़े भर गई हैं, उन सारी बातों को लेकर के चर्चा हुई है और जिस जिस चीज़ पर जो ना अनदेखी हुई है उसको गंभीरता से इस बैठक में लिया गया है और निश्चित तौर पर उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगा और आने वाले समय में वो समस्या दूर होगी। कोई बड़े प्रोजेक्ट पर लेकर चर्चा हुई हो जो शहर में अभी जल्दी से? देखिए, मैं समझता हूँ जैसे गांव में पोर्ट सिस्टम पर जो चर्चा हुई है, जो हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सभी जो 6500 गाँव पड़ते हैं उनकी जो पोर्ट सिस्टम है, जो क्योंकि ओवरफ्लो आजकल होने लगे हैं गाँव में, समस्या रही है। एक बड़ा स्टेडियम यहाँ पर, आधुनिक स्टेडियम यहाँ फरीदाबाद को मिले, एक जो नहर पार हमारा जो कनेक्टिविटी है जो FMDA के द्वारा जोड़ी जानी है, कुछ सड़कों के सौंदर्य करने जैसे तिरंगा रोड एक हमारी जो ना बनेगी और उस वो एक भव्य सड़क बनने जा रही है, एक मेट्रो जो गुड़गांव से और फरीदाबाद को जोड़ेगी, उस मेट्रो की DPR पे भी चर्चा हुई है कि भाई वो कहाँ अटकी हुई है, किस क्यों उसमें देरी हो रही है। तो हर किसी मुद्दे पर जो जन समस्या से जुड़ा हुआ है, जन मानस से जुड़ा हुआ हर मुद्दे पर चर्चा हुई है और निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि उस पर आने वाले समय में कार्रवाई होगी। जितनी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उनकी समीक्षा की जाती है, भाई उनका जो पैसा आता है वो कैसे खर्च हो रहा है, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी गति क्या है, उनमें तेज़ी कैसे लाई जाए, जो CM साहब की अनाउंसमेंट है, दूसरे जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं उन सब की समीक्षा होती है, उनको कैसे गति दी जाए, समय पर वो पूरे हों, उन सबके बारे में बैठ के नियमित होते हैं, उसी नियमित आज ये बैठक हुई है। ऐसी बैठक में क्या कुछ रहा वैसे? देखिए, की बैठक में जो हर बैठक में रहता है कि कामों में कोविड के कारण कुछ शिथिलता आई थी, कुछ काम दिए हुए थे, लेकिन जैसे ही कोविड का कम प्रकोप हुआ है वैसे ही कामों में फिर गति से आ गई है और उम्मीद करते हैं आगे आने वाले पूरा शहर पानी में डूब गया, इसको लेकर भी क्या कोई चर्चा हुई? देखिए, जब बरसात आती है तो मैं समझता हूँ पानी खड़ा होता है, खाली फरीदाबाद की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है, बड़े बड़े महानगरों में पानी खड़ा होता है, हर साल खड़ा होता है, लेकिन उस पर भी चर्चा की है अगले साल ये पानी खड़ा ना हो। देखिए, बरसात भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सब चाहिए, लेकिन अगर एक दो दिन के लिए पानी खड़ा होता है तो उसी, लेकिन पानी पड़ना चाहिए, बारिश ज़्यादा होनी चाहिए, देश के लिए, देश को आर्थिक तौर पे मजबूत करने के लिए बारिश का होना बहुत ज़रूरी है, GDP बढ़ाने के लिए बारिश का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पानी खड़ा ना हो उसकी चिंता की गई है, उसके बारे में बात की है, अगली बार उसका कोई ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। किसान ऐसा कोई प्रोजेक्ट सर जिन पर चर्चा हुई, बड़े प्रोजेक्ट जो जल्दी शुरू होने वाले हों फरीदाबाद में? देखिए, हाईवे के प्रोजेक्ट है, हाईवे पानी खड़ा होता है, जैसे अभी कोई अच्छे टाउन पार्क बनने हैं, कोई सड़कें हैं जो अधूरी रह गई हैं वो बननी हैं, मझावली का पुल है और बहुत चीज़ें हैं, स्टेडियम है, तो सब काम जो चल रहे हैं, स्मार्ट सिटी के काम हैं,
जो आगमन जिसमें समय बहुत तेजी आई है, अटका हुआ आपका, मतलब ये जो सोहाना रेलवे पुल था इसको आपने भी चार लेन कराने की सीएम साहब से अनाउंसमेंट सुनाई थी, उसकी बात हो गई है, जमीन की बात थी, अब जमीन जो लैंडलॉर्ड है फैक्ट्री मालिक है उससे बातचीत हो गई है, वो जमीन देने के लिए तैयार हो गया है, जमीन लेकर जल्दी ही उसका फोर लेन का काम शुरू होगा। किसान महापंचायत को लेकर क्या कहना है जो कल हुई है? काय की पंचायत, कुछ किसान संगठन है जो बीजेपी विरोधी है, मोदी विरोधी है, और एक किसान संगठनों का खेल है, किसानों का खेल नहीं है, और वो देखिए और वो अपने मंसूबों में सफल नहीं होंगे। वो कहते हैं नए नए बाल कांजिजमान अभी आ गए, अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, अभी पता चल जाएगा सर, बंगाल बंगाल का भी अभी गया है चुनाव तो। हाँ कह रहा हूँ, पता चल जाएगा उत्तर प्रदेश आ रहा है। अच्छा बंगाल में कुछ उत्तर प्रदेश आ रहा है, उत्तराखंड आ रहा है, गोवा आ रहा है, मणिपुर आ रहा है, पंजाब आ रहा है, तो सब पता चल जाएगा, कांग्रेस को अपनी हैसियत पता चल जाएगी। थैंक यू।